1959 में 7 गुजराती महिलाओं ने मिलकर इज्जत पापड़ की शुरुआत की। इनका मकसद था कि महिलाओं को रोजगार देना और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। इन्होंने छगनलाल करमसी पारिक, जो एक फिलान्थ्रोपिस्ट और एक सोशल वर्कर हैं, उनसे 80 रुपए लेकर ये इज्जत पापड़ की शुरुआत की और आज 2021 में इसमें 45,000 महिलाएं काम करती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 45,000 महिलाएं साल में 480 करोड़ पापड़ बनाती हैं और सबका टेस्ट पूरे भारत में सिमिलर है। ये इनके रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन का कमाल है। जसवंती बेन जमुना दास, जो इज्जत पापड़ कंपनी के एक फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्हें इसी साल 26 जनवरी को भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। 25 से ज्यादा देशों में इज्जत पापड़ बेचा जाता है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मिडिल ईस्ट, थाईलैंड, जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज। और सालाना कमाई 1600 करोड़ की होती है। दोस्तों, बड़े से बड़ा बिजनेस पैसों से नहीं, एक आइडिया से बनती है।